वेलकम टू डीडी डी सीरीज अभी ये डीडी बासु प्लस सीरीज है यानी कि डीडी डी के अलावा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं टॉपिक्स आर फाउंड इन लक्ष्मीकांत एंड अदर करंट इवेंट्स हम उसको भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे टोटल फोर्टी लेक्चर्स में हमें डीडी बासू को कम्प्लीट करना है और आज हम फिफ्टींथ लेक्चर में यहाँ पर हैं आज के लेक्चर की जो ब्रेकअप है हमने इस तरीके से की यानी कि हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी से और उसके बाद हम डी पर जाएंगे और डीपीएसपी में

फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो हमें बाद में बात करनी चाहिए थी क्योंकि पार्ट फोर इस फंडामेंटल ड्यूटी फिर हम इसके साथ बात क्यों कर रहे क्योंकि डीडी पासु ने के साथ कुछ हैं क्योंकि हालांकि यह मांग भी उठाई गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों, क्यों, को ओरिजिनल में नहीं रखा था और फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ तो वो उन्होंने इसको पार्ट थ्री ए क्यों नहीं बनाया फंडामेंटल राइट्स होता उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाता और बाद में डीपीएसपी होता डीपीएसपी के बाद में ही क्यों ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को तो चलिए सारी चर्चा हम करेंगे मुझे लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ज्यादातर स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं क्योंकि कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं ड्यूटीज हैं जो सिटीजन को फॉलो करनी है लेकिन यहां पर कुछ स्पेसिफिक की से अगर स्टेटमेंट बना दी जाए तो शायद बच्चे ट्रैप हो सकते हैं कैसे अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं थोड़ा बैकग्राउंड हम आपको दे दें कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट उन्होंने एक कमेटी बनाई सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया उस समय टेन फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी बाद में प्लस वन हो गया प्लस वन जो ऐड किया गया था एट्टी अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था ये वही अमेंडमेंट एक्ट है जिससे राइट टू एजुकेशन यानी कि आर्टिकल ट्वेंटी वन एड हुआ था यानी कि टोटल अब इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा ये तो हुआ बेसिक राइट right? तो पार्ट फोर ए इलेवन फोर्टी सेकेंड और फोर्टी सेकेंड में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से जो पार्ट फोर ए एड किया गया इसमें एक ही आर्टिकल एड किया गया फिफ्टी वन ए कैपिटल ए है ठीक है ना इसके अंदर फिर हम इलेवन सब क्लॉसेस देखते हैं ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इस तरीके से जहां पर कैपिटल ए आता है विदाउट एनी ब्रैकेट तो यानी कि एक सेपरेट आर्टिकल है ठीक है जैसे कि थ्री हंड्रेड ए राइट नाउ आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर वाई फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्लेस्ड आफ्टर पार्ट थ्री इसका लॉजिक दिया जाता है कि कॉन्स्टेंट असेंबली ने सोचा था कि हम राइट्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कुछ होंगे सिविल पॉलिटिकल राइट्स जिनको फंडामेंटल करार देना होगा तो इस वजह से उनको पार्ट थ्री में रखा गया कुछ ऐसे अधिकार थे जैसे तो सोशो इकोनॉमिक राइट्स तो माना गया कि अभी सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कुछ मुद्दों पर अभी हमारा समाज भी शायद तैयार नहीं है तो इस वजह से उन प्रिंसिपल्स को चलो हम एक पार्ट फोर में ऐड कर देते हैं यानी कि हैं वो भी अधिकार लेकिन वो अधिकार ऐसे हैं कि सरकार को डायरेक्शन है कि अपनी स्टेट पॉलिसी यानी कि अपनी पॉलिसी बनाते समय इनको ध्यान रखें तो यानी कि कोहरेंस देख रहे हैं पार्ट थ्री पार्ट फोर में कोहरेन्स है राइट्स की तो उसके बीच में ड्यूटीज को इंक्लूड करना वो तार्किक नहीं था अगर मैं फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करूं तो ठीक है तो लॉजिकली पार्ट फोर ए बनाना वो ज्यादा सही था फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ फिर एक मन में सवाल आता है कि सर फंडामेंटल राइट्स में वर्ड फंडामेंटल लगा हुआ है तो बात समझ में आती है क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो आप सीधे नॉक नॉक कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर यूजिंग आर्टिकल थर्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज लेकिन सर वेन इट कम्स टू फंडामेंटल ड्यूटीज सर क्या इसके लिए कोई वो ऐसा एनफोर्समेंट है क्या हम कह सकते हैं सेम लेवल है जस्टिसबल होने का एनफोर्सेबल होने का यानी ये कोर्ट डायरेक्टली इंपोज करा सकती है और आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं ऐसा कुछ है क्या ऐसा नहीं है तो फिर वर्ड फंडामेंटल क्यों ऐड किया गया इन दस फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो इस पर निष्कर्ष निकल कर आता है कि देखो फंडामेंटल ऐड होने का मतलब है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक है फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई हैं हमारे कॉन्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड की गई ये सिटीजन के लिए बनाई गई मतलब क्योंकि सिटीजन ही तो हैं जो सबसे ज्यादा फायदा भी लेते हैं और सिटीजनशिप ही एक एक्चुअली लीगल रिलेशन है बिटवीन इंडियन स्टेट एंड पीपल हु आर कॉल्ड सिटीजन तो उनके कुछ अधिकार हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी हैं एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑरिजिनल क्यों नहीं था वाई नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फेमस थे उसमें से एक आइडिया तो ये था कि जैसे गांधीन आइडिया वो कहता था कि भाई फोकस जो है ड्यूटीज पर होना चाहिए उनका कहना था कि ड्यूटीज पर फोकस होगा तो राइट्स आर इन एम्ब्रियो ऑफ ड्यूटीज ऐसे स्टेटमेंट्स को आप अपने जीएस पेपर टू आंसर में भी यूज कर सकते हैं ऐसे में भी यूज कर सकते हैं पी में भी यूज कर सकते हैं अब इस बात को समझा देता हूं मतलब ये आइडिया कहता है कि नहीं भाई ड्यूटीज को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन ये आइडिया जीता नहीं ठीक है क्यों नहीं जीता वो भी जानेंगे क्या कहा मैंने इन ऑफ ड्यूटीज गांधी का मानना था कि अगर हम सब अपनी ड्यूटी समझेंगे कर्तव्य समझेंगे उसको पालन करेंगे तो किसी को अपने अधिकार को अलग से क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्वतः ही उसके अधिकार उसको मिलते चले जाएंगे बात लॉजिकल है कि नहीं बिल्कुल लॉजिकल है कि आप ड्यूटीज पर फोकस करो राइट्स तो हम मिलते ही चले जाएंगे जैसे कि हम सब अगर अपनी अपनी ड्यूटी फॉलो करने लग जाएं, वैसे जैसे हमसे एक्सपेक्टेड है जैसा हमें करना चाहिए सरकार का हर एक ऑर्गन अपना अपना ड्यूटी करने लग जाए जैसे उससे एक्सपेक्टेड है तो मुझे बताइए राइट क्लेम करने की जरूरत अलग से पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी तो एक आइडिया था लेकिन ये आइडिया नहीं जीता ये आइडिया जो जीता वो राइट जीता यानी कि राइट्स को प्राइमेसी दी गई इन कंपैरिजन टू ड्यूटी व्हाई? एक्चुअली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मॉडर्न एज में बना है भाई 1947 से 50, राइट right? 46 से 50 चल रहा था जो प्रोसेस और मॉडर्न टाइम में देखा गया कि भाई मिडिवल एज में गलती हुई थी कई सारे सरकारों से वो ये थी कि उन्होंने ड्यूटीज पर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया था और ड्यूटीज पर फोकस होने से जनता को अधिकार तो मिलने से गए वहां पर जो सरकारें थी वो एक्सप्लोटेटिव हो गई यानी कि लोगों पर उनकी ड्यूटीज का बोझ डालने लग गई तो मॉडर्न एज में एक फीचर बन गया कि हमें अगर सही में न्याय करना है तो आम आदमी को अधिकार देने पड़ेंगे ड्यूटी पर फोकस नहीं क्योंकि ये माना गया ड्यूटी पर तो वो फोकस कर ही लेगा क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया गेव आर सर हम भारत के लोग खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं ना तो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को फॉलो तो हम करेंगे ही मान लिया गया ड्यूटीज को अलग से लिखकर और फंडामेंटल करार देकर एनफोर्सेबल कराने की जरूरत नहीं है आप राइट्स पर फोकस करो कि क्या उनके अधिकार हैं तो दिस वॉज द आइडिया दैट इज वाई फंडामेंटल शब्द राइट्स के साथ फोकस किया मतलब एड किया गया नॉट विथ ड्यूटी लेकिन उसके बाद कहा गया कि देखो राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब पूछा जाए कि डिस्कस एसेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एज मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप कहेंगे कि द सिस्टम कैन नॉट वर्क विदाउट प्रॉपर कोऑपरेशन बाय इट्स सिटीजन व्हेन वी से कोऑपरेशन इट मींस सम फंडामेंटल ड्यूटीज विच एवरी सिटीजन हैज टू अपहोल्ड फ्रॉम हिज हर एंड तो यानी कि तभी तो ये सिस्टम चल पाएगा ना और फिर उसके बाद आप बताते हैं रेशनल यू कैन से वो जो बताया गया था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए जो हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है फिर आप इससे रिलेटेड जो ये इश्यू है कि एनफोर्सेबल होती हैं कि नहीं होती हैं तो आप बताएंगे कि हां कितनी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल हो सकती हैं क्यों पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन दिस रिगार्ड है कि नहीं तो इस तरीके से यू आर गोइंग टू डू दिस तो आपको अभी बेसिक आइडिया पता लगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं थी क्योंकि हमारा फोकस राइट्स पर था राइट right? क्योंकि हम मॉडर्न एज में थे ड्यूटीज को एनफोर्सेबल बनाकर जनता का शोषण हो सकता था अतिरिक्त पावर एडिशनल पावर स्टेट के पास आ सकती थी कि कि तुमने तुमने नहीं नहीं करा तुमने ये नहीं किया तो इसी वजह से क्या था कि हम भारत के लोग खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं तो हम भारत के लोग इस वजह से दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे कुछ अधिकार प्रोटेक्टेड रहे ठीक है ना वाई फोर ए वाई नॉट थ्री ए रीजन बताया क्योंकि राइट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक पार्ट फोर डीपीएसपी था पार्ट थ्री एफ था तो इस वजह से फोर के बाद क्योंकि राइट्स के बाद ड्यूटीज को लगाना चाहिए इस वजह से फोर ए में ऐड किया गया एज अ फोर एड किया गया ठीक है ना शुरुआत करने से पहले चलिए क्वेश्चन हो जाए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा ठीक है तभी मैं उसी हिसाब से फिर ट्रैप बनाता चलूंगा ठीक है तो पहला फंडामेंटल ड्यूटी का एक स्टेटमेंट में बना रहा हूं आपको बताना है ट्रू और फॉल्स ठीक है तो एज पर आर्टिकल फिफ्टीन ए सब क्लॉज ए यानी कि पहली फंडामेंटल ड्यूटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग नेशनल एम्बलम स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स कम ऑन यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी में जो पहली ड्यूटी है वो इस तरीके से है क्या है

एक बार कमेंट में भी कंफर्म कर दीजिएगा ट्रू आप सबने बता दिया देखिए ट्रू प्रथमेश प्राची राइट right? रितेश सबने बताया ट्रू कि सर ये तो पढ़ा हुआ है राइट right? अगर ट्रैप ना हो तो फिर ये हमारे साथ पढ़ने का फिर फायदा क्या हुआ आपका राइट right? कुछ नई इंसाइट ना मिले इंडियन पॉलिटी में आपको सुनिए जरा इसका आंसर है फॉल्स पूरी क्लास ट्रू बता रही है देख रहे हैं कि हम कितने यूनाइटेड होते हैं मतलब तो गलती करने में हम एक साथ हैं कई लोग कहेंगे सर हमने साइड में टैब ओपन की हुई है सर हमने उसमें देखा सर यही लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग नेशनल एम्बलम राइट ध्यान रखना अगर यूपीएससी स्टेटमेंट यूज करती है इट इज मैंशनड राइट आर्टिकल फिफ्टी फिफ्टी वन एन फिफ्टी वन ए सब क्लॉस ए टू नो रेस्पेक्ट आइडल इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग नेशनल एम्बलम तो ये बात गलत है ठीक है प्रथमेश कह रहे हैं सर ये क्या बात हुई देखिए ये बात ये हुई कि मैंने यहां पर नेशनल एम्ब्लम जोड़ दिया वहां नेशनल एम्ब्लम है या नेशनल एंथम है नेशनल एंथम है तो कहने का मतलब यह है मैं सिर्फ ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहा था आपके साथ कि एक एक वर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिए राइट right? क्योंकि जो सेंस निकलती है सेंस तो निकलती है कि भाई रेस्पेक्ट करो नेशनल एम्ब्लम को भी बट अगर वर्ड यूज करे मेंशन तो क्या आर्टिकल 51 वन ए सब क्लॉस ए में मेंशन है वर्ड नेशनल एम्ब्लम मुझे तो नहीं दिख रहा भाई नेशनल फ्लैग है नेशनल एंथम है ये बात क्लियर हुई आपको तो चलो अब अपनी क्लास को थोड़ा स्टार्ट करते हैं अब आपकी अटेंशन यहां पर आ गई होगी अब आप हल्के में नहीं लेंगे इन चीजों को राइट right? ये देखिए अबाइड एंड रेस्पेक्ट दो वर्ड यूज किए गए हैं ठीक है अबाइड 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 किसको करना है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है रेस्पेक्ट करना है आइडियल्स इंस्टीट्यूशन जो मैंशन है राइट और नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम ये दो चीजें मैंशन है राइट right? तो अगर निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष तो यह निकलता आइडियल इंस्टीट्यूशन अल्टीमेटली नेशनल एम्बल को भी रेस्पेक्ट करना है राइट बट द पॉइंट इज वर्ड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम ठीक है तो कई बार यूपीएससी की आपको सोचती है डिराइव इन पर खेलती है ठीक है नेक्स्ट क्या है वर्ड देखिएगा चेरिश एंड फॉलो चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स किसके जो नेशनल स्ट्रगल था हमारा फ्रीडम का ठीक है तो याद करने का तरीका ध्यान रखेंगे दो वर्ड है चेरिश एंड फॉलो क्या करना है नोबल आइडियल्स अब मैं केवल इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आपको बस यह पता रहे कि अच्छा क्या मेंशन था मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि जो मेंशन था इसका मतलब क्या निकला नोबल आइडियल्स ऑफ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल वाई एम सेइंग दिस द रीजन इज यूपीएससी टॉपिक्स को इंटरलिंक करके क्वेश्चन बना सकती है राइट right? तो कौन से आइडियल्स थे कौन से आदर्शों पर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो लड़ रहे थे आप कहेंगे सर एक आदर्श तो हमें लगता है इक्वालिटी था सर शायद जस्टिस भी था सर ब्रदरहुड भी था फ्रेटर्निटी भी था सर लिबर्टी भी था तो कहने का मतलब जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जस्टिस ऑल दो ये टर्म काफी पॉपुलर हुई उसके बाद हमारे पैंबल में भी हुई लेकिन ये जो टर्म्स थी वर क्वाइट पॉपुलर अमंग कैन से जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो चाहते थे बराबरी वो चाहते थे एकात्म की भावना वो चाहते थे आजादी और आजादी का मतलब केवल यह नहीं था कि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहां से चले जाएं, जो नोबल आइडियल्स थे वो ये थे कि जो भी लेकोनास हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ड्यू टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हम ब्रिटिशर्स को भेजकर उन सब में सुधार कर लेंगे आपको नहीं लगता कि यहां पर जो ये सेकेंड आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है इट इज लिंक्ड एंड वेरियस वेरियस अदर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखिएगा ये फंडामेंटल ड्यूटी आपके लिए है यानी कि आपको फॉलो करनी है तो यानी कि अगर मैं ऐसा एक स्टेटमेंट बना दूं यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट बना दे इस बार प्रस में आर्टिकल फिफ्टी आर्टिकल फिफ्टीन का सबकलॉस टू ठीक है आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉस टू इज कनेक्टेड टू आर्टिकल फिफ्टी वन ए सब क्लॉस बी तो मुझे बताइए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी कि फॉल्स होगी तो अगर आप लैंग्वेज देखें तो आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉस टू में आप पढ़ते हैं कि स्टेट हो या इंडिविजुअल हो नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ वेन इट कम्स टू यूसेज ऑफ पब्लिक प्लेसेस पब्लिक पार्क वेल एक्सेट्रा यानी कि जो सार्वजनिक जगह है आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ क्यों धर्म के नाम पर जाति के नाम पर लिंग के नाम पर इन आधारों पर राइट रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ इन आधारों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते और भेदभाव रही समाज की स्थापना हो आपको नहीं लगता यही तो एक आइडियल था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का तो भेदभाव रहित समाज की स्थापना इट मीनस एस्टेब्लिशिंग अ सोसाइटी विदाउट सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 15, सब clause 2 इज also टॉकिंग अबाउट दिस इट इज linked और नॉट Yes और नो इट इज linked. तो चाहे आपके लक्ष्मीकांत में ना हो डीडी बासु में ना हो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपको ध्यान रखना है क्लियर है नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट सोविनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अब देखिए नेक्स्ट जो टू आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आप उसमें कनेक्शन देख सकते हो यानी कि सोविनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी और जिससे नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है वो बात करती है टू डिफेंड इंडिया और आप अपनी सेवा देने के लिए अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हो जाए जब आपसे मांगी जाए ठीक है प्रोटेक्ट सोविनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ठीक है तो यानी कि अगर कोई भारत को तोड़ने की बात कर रहा है तो यानी कि वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन कर रहा है अगर वो इंडियन गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की बात कर रहा है कह रहा है कि भाई हमारे एरिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा हमारे एरिया में पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून लागू नहीं होगा जो कानून एक्चुअली लागू होना चाहिए तो इट मींस दैट पर्सन इज वायलेटिंग दिस थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी क्योंकि आप सोवर्निटी के अगेंस्ट जा रहे हो क्योंकि सोवर्निटी का मतलब यह है कि इस एरिया में इस टेरिटरी में यूनियन गवर्नमेंट सॉवरन मतलब कि जब मैं कह रहा हूं स्टेट इज सॉवरन तो ऐसा हो सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट इज सॉवरन और यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ पावर अगर किसी और गवर्नमेंट की बॉडी को दी है तो उसकी पावर वहां पर लागू होना चाहिए इसका क्लियर मतलब यह है कि भाई भारत देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलना चाहिए राइट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी शुड बी प्रायोरिटी टू डिफेंड द कंट्री मैंने क्या कहा दो कनेक्टेड है याद कर सकते हो आप ठीक है डिफेंड द कंट्री and render national service when called upon to do so. National service when called upon to do so. आप में से कोई मुझे बताएगा कि इस fundamental duty, यानी कि fourth fundamental duty, जैसा point आपके fundamental right में किस article में mention है? Come on, किस article से link करता है? क्योंकि हो सकता है UPSC इस तरीके से link करने वाला question बना दे। क्या करेंगे फिर? याद आ रहा है किसी को आर्टिकल 23 बताया था आपको व्हाट इज आर्टिकल 23 वो फोर्स लेबर की बात करता है बेगार की बात है, की बात बात करता 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 है करता है है बॉन्डेड लेबर उसको प्रोहिबिट लेकिन साथ में उसमें मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो नेशनल सर्विस के लिए आपको आपकी सेवाएं ले सकती है राइट right? और उसमें आप यह नहीं कह सकते कि जी फोर्स लेबर हो रहा है आर्टिकल 23 का वायलेशन हो रहा है तो वहां पर भी जिस बात का जिक्र है वो चीज कनेक्टेड है किससे फंडामेंटल ड्यूटी से कि आपका कर्तव्य आपको करना होगा तो मुझे बताइए आर्टिकल 51 वन सब क्लॉज ए डी ये आपको कनेक्ट हो रहा है विद आर्टिकल 23? थ्री और नो ये कनेक्शन रिवाइज करते चलाइए इट इज हाई टाइम। टाइम्स में ऐसा ट्रैप बनाएगा वो आपके लिए ट्रैप प्रमोट हाउ मेनी स्प्रिट ऑफ ब्रदरहुड तो एक एक कीवर्ड पकड़ लीजिए ब्रदरहुड यानी कि किसी भी बेसिक बात यह है कि लैंग्वेज के आधार पर रीजन के आधार पर किसी सेक्शनल डाइवर्सिटी के आधार पर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि ब्रदर टू का यू कैन से जो स्प्लिट है उसको नुकसान पहुंचे साथ में एक और पॉइंट है कि डिग्निटी ऑफ वेमेन जो भी ऐसी प्रैक्टिस हैं जो डेरोगेटरी हैं फॉर द डिग्निटी ऑफ वेमेन उनको रेनाउंस करना है उनको हटाना है यह भी आपकी ड्यूटी है तो यानी कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि इफ देर आर सम कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस which are derogatory to the respect or dignity of women then you have to raise voice or absolve renounce practicing those customs and traditions because they are derogatory because word fundamental duty mention hai ab shayad aapko connect ho raha hoga ki kyon fundamental duty shabd add kiya gaya tha yani ki aap par aapko zimmedari di gayi thi ki aap isko fundamental mano जब एक तरफ आपके रीति रिवाज हो और दूसरी तरफ आपकी fundamental duty हो नागरिक होने के नाते तो आपको इसको follow करना पड़ेगा

ये रही वो स्टेटमेंट जरा रीड करिएगा कंपोजिट कल्चर अभी मैं आपको रीड करा दूंगा पॉइंट इज कि कंपोजिट कल्चर में वो संस्कृत की बात कर रहा है इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है ना क्योंकि यहां से वो क्वेश्चन बना सकता है क्योंकि कंपोजिट कल्चर डिफाइन नहीं किया गया यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी में ठीक है इट इज बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन लेकिन एक बात क्लियर है कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर क्योंकि यहाँ पर कितनी सारी जगह से लोग आए अलग अलग धर्म आए और सब मिलकर रहे तो अगर मैं कहूँ कि टॉलरेंस इज एन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर राइट तो दैट इज फैक्ट राइट और उससे जुड़े हुए जो हैरिटेज हैं यानी कि लैंग्वेज है स्क्रिप्चर्स है फोक सॉन्ग्स हैं प्रैक्टिस हैं राइट सो वो यहां पर होनी चाहिए ऐसे में एक्चुअली इससे बहुत ही जबरदस्त डायमेंशन बनती है कि वाई कल्चर इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी तो बड़ा मजेदार डायमेंशन बनेगा चाहे इसको आप लिख लीजिए अलग से आपको इसको यू शुड हैव सर्टेन डायमेंशन ऑन दिस कल्चर क्यों जरूरी है तो फिर उसमें आप थोड़ा ब्रेकअप करेंगे कि एक्चुअली वॉट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर वो आप रिडिमेंट्री डेफिनेशन मत दीजिएगा मुझे कल्चर कंसिस्ट ऑफ फूड हैबिट्स ड्रेस एटसेट्रा नहीं कल्चर इज मोर देन दैट कल्चर इज द पैराडाइम इन विच पीपल लिव कहा जाता है ना कि इफ यू वॉन्ट टू वीकन एनी सोसाइटी यू हैव टू डिस्टॉर्ट देयर कल्चर इफ यू आर एबल टू मेक दम बिलीव दैट देयर कल्चर इज इंफीरियर एंड योर से सुपीरियर दैन माई फ्रेंड यू कैन एक्चुअली हैव लेवरेज ओवर देम इन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल हर एक एस्पेक्ट में आप अपने आप को उनसे ऊपर पाओगे अगर आपने उनको ये बिलीव करा दिया कि उनका कल्चर जो है वो खराब है इनफीरियर है सो दैट इज वाई कल्चर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है इस वजह से यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया ये इसलिए भी दिया गया क्योंकि अंग्रेजों ने एक्चुअली अलग से स्कॉलर्स को फंड किया था जैसे ऑरेंटलिस्ट स्कॉलर्स इंडोलॉजिस्ट उनमें से कई स्कॉलर्स ने हमारे स्क्रिप्चर्स को हमारे हिस्ट्री को इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि हम अपने आप को इंफीरियर मानने लगे और उनके कल्चर को सुपीरियर मानने लगे अगर दूसरे का कल्चर आपने सुपीरियर मान लिया तो अब अगर वो किसी अदर डोमेन में भी आपको कोई थ्योरी दे रहा है सो इट इज ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू अडॉप्ट देयर प्रिंसिपल एज बेटर एंड यू मे लूज इन ऑन द फैक्ट्स ऑन विच यू मे बी स्ट्रांग तो इस वजह से कल्चर को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है नंबर वन सेकेंड बात कल्चर एक्चुअली ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस एज जैसे कि इंडिया में डायवर्सिटी तो है But there is common thread. Some say that common thread is that legal entity, which is our constitution. But our constitution framers' it is more than that. That is composite culture, that we cohabit in spite of you know so many diversities, and the diversity is our beauty, because that way we you know we are reflecting what world is striving for. I will this statement. कि हम जो हैं वो वर्ल्ड होना चाहता है वी आर वॉट वर्ल्ड इज स्ट्राइविंग फॉर आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई मतलब फैक्ट इज ग्लोबलाइजेशन सो इन ग्लोबलाइजेशन बॉर्डर्स आर बिकमिंग रिडेंडेंट आर लेस रेलिवेंट नाउ देर नाउ वेन यू हैव टू यू नो ट्रेवल यू कैन ट्रेवल इजिली मीन्स कम्युनिकेशन इज ईजी कैपिटल ट्रांसफर इज ईजी स्किल ट्रांसफर इज ईजी टेक ट्रांसफर इज ईजी नाउ सो मैनी पीपल आर लिविंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सम सोसाइटीज विच वर होमोजनस नाउ बिकमिंग हैट्रोजनस बिकॉज दे नीड पीपल ऑफ डायवर्स स्किल्स एंड फॉर देट दे आर हैविंग पीपल फ्रॉम डायवर्स एरियाज यानी कि क्योंकि उनको डायवर्स स्किल्स के लोगों की जरूरत है तो अलग अलग जगहों से लोग वहाँ पर आकर बसने लगे उनको भी उनकी ज़रूरत है तो अब वहाँ पर डायवर्सिटी है कि नहीं डायवर्सिटी है टेक एग्जाम्पल ऑफ दुबई नी इंडियंस सो मैनी यूरोपियंस अमेरिकन जैपनीज अदर पार्ट ऑफ एशिया आर प्रेजेंट देर एंड दीज पीपल हैन से वील्स ऑन विच दिस यू ए इकोनॉमी थ्राइविंग तो यानी कि वो डायवर्सिटी बना रहे हैं ला रहे हैं और हमारे पास डायवर्सिटी है बात समझ रहे हैं तो आई एम टॉकिंग कल्चरल सेंस आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी नेक्स्ट देखिए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरमेंट अब जो इसके आगे के आर्टिकल्स हैं वो एनवायरमेंट से कनेक्टेड है सस्टेबिलिटी से कनेक्टेड है तो पहले एनवायरमेंट की बात करेंगे फिर पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे स्प्रिट uh, आपके एक साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए उसकी बात करेंगे और फिर एक्जिलेंस की बात करेंगे इस तरीके से समाप्त होगा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूड देखिए दो वर्ड हैं प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है कार्बन क्रेडिट सिस्टम है सस्टेनेबल प्रैक्टिस हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए दे आर एक्चुअली डिराइविंग दे आर बींग डिराइव फ्रॉम दिस फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल बिल्कुल सही बात है फॉरेस्ट लेक रिवर वाइल्ड लाइफ प्लस एक और बात है टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स यानी कि प्रिवेंशन ऑफ ऑफ क्रुआलिटी अगेंस्ट एनिमल्स तो ये भी एस्पेक्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में है तो प्रोटेक्ट इंप्रूव तो करना ही है यानी कि प्रोटेक्ट इंप्रूव और कंपैशन तीन हैं ये ध्यान रखिएगा। यानी कि तार्किक होना चाहिए आपको ऑब्जर्वेटरी होना चाहिए मतलब ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपने सही गलत डिसाइड करना चाहिए ऐसे ही नहीं सुपरस्टिशन से अलग रहना चाहिए ह्यूमनिज्म यानी कि जब भी आप कोई काम करें तो आपके काम का जो आधार है वो ये हो कि इससे मेरा आसपास के लोगों का भला होना चाहिए ह्यूमनिज्म शुड बी देयर राइट इफ यू आर डूइंग समथिंग विच इज बेनिफिटिंग यू बट नॉट ह्यूमैनिटी हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमैनिटी देन दैट इज अगेंस्ट है फंडामेंटल ड्यूटी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए हमेशा कुछ ना कुछ ना नया सीखने की ललक राइट right? ये चीजें खोलती क्यों है इसकी ललक और जहां पर आपको पता लगे स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के बाद कि आप कुछ जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे तो आपके अंदर रिफॉर्म भी आना चाहिए ठीक है तो साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ये चार की वर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है कुछ ऐसे याद रख सकते हैं नाइन वाइन कोई वाइन के नशे में ही होगा जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा वाइन ये नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी तो एबजोर वायलेंस पब्लिक प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं करना मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना जैसे ये लोग पहुंचा रहे हैं ठीक टू स्ट्राइव फॉर एक्सिलेंस अब यहां पर एक बात कही excellence, किस एस्पेक्ट में individual में इंडिविजुअल भी और कलेक्टिव में भी स्ट्राइव टूवर्ड एक्सलेंस इन ऑल ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंडिविजुअल भी और कलेक्टिव भी यानी कि अपने आप भी जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आपको बेस्ट से बेस्ट करना है और आपको यह भी ध्यान रखना है कि कलेक्टिवली हम सब भी बेस्ट हों अगर हम सब ऐसा करेंगे तभी जो देश है वो तरक्की करेगा राइट Higher levels of and achievement उसी के बाद होंगे नेक्स्ट यह लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी आपकी एक्स कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से एड की गई थी कहती है कि जो पेरेंट्स हैं गार्जियन है उनकी जिम्मेदारी है कि छह से चौदह साल की उम्र के बच्चों को शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए इसी फंडामेंटल ड्यूटी से कनेक्टेड क्या है आपका आर्टिकल ट्वेंटी वन ए राइट अगर मैं ऐसा कह दू दिस फंडामेंटल ड्यूटी इज कनेक्टेड टू आर्टिकल ट्वेंटी वन ए एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ठीक है तो कौन से केसेस संबंधित है और ऑप्शंस आपको दे दे उन्नी कृष्णन केस मोहिनी जैन केस किशनंद भारती केस, केस मिनवा मिल केस आयर कोहलो केस अब इनमें से आपको चुनना है वन और टू सही है टू और थ्री सही है ऑल सही है वन और फोर सही है आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप ऑप्शन बना लो वन टू मैं टेंथ तक गिन रहा हूं आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एजुकेशन पर आपका अधिकार एक मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से कौन से केसेस में कही ऑप्शन उन्नी कृष्णन केस मोहिनी जैन केस किशोन भारती केस मिनवा मिल केस आई आर कोहलो केस और ऑप्शन यूपीएससी बना देगी ये पांच पॉइंट देकर और टू वन टू थ्री फोर टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से ऑप्शन बनाएगी तो बताइए उसमें क्या करेंगे कई बार जितनी जानकारी होती है ना आपको उतनी यूपीएससी जो है क्वेश्चन में दे देती है और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करती है ऐसे फैक्चुअल खेल जाती है ठीक है ध्यान रखेंगे उन्नी कृष्णन केस एंड मोहिनी जैन केस ये दो केस हैं ठीक है ठेके? तो कंपोजिट कल्चर जो मैंने आपसे कहा था कि देखो क्या कहा संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर इज द फाउंडेशन ऑफ कंपोजिट कल्चर अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है तो आप इसको ट्रू लगाएंगे ठीक है संस्कृत लैंग्वेज फाउंडेशन ऑफ कंपोजिट कल्चर ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक है और ये भी कहा एजुकेशन सिस्टम शुड प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ आर कंट्री और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बचपन में आपने संस्कृत लैंग्वेज पढ़ी थी राइट पढ़ती पठनती यार भूल गए आप तो आप भी सोच रहे हो हम क्यों पढ़ रहे हैं राइट right. वो इसलिए पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो संस्कृत लैंग्वेज फाउंडेशन है कंपोजिट कल्चर की एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाना होगा ठीक है ना एनफोर्समेंट देखिए अलग से पार्ट फोर में कोई पनिशमेंट कोई फाइन ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया ठीक है अगर किसी फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्सेबल बनाना है तो पार्लियामेंट इस पर कानून बना सकती है फाइन जेल कुछ भी लगा सकती है ठीक है तो ऑल लॉ गिविंग इफेक्ट टू द फंडामेंटल ड्यूटीज़ मे बी रीजनेबल रीजनेबल कानून बनाए जाएंगे इन रिलेशन टू आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन यानी कि जो आपकी फंडामेंटल राइट right है यानी कि जो आपकी इक्वालिटी वाला कानून है फ्रीडम है आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट असेंबल पीसफुली एसोसिएशन फ्रीली मूव विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया डिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड ऑक्यूपेशन तो इन जो आपके अधिकार हैं इनको कॉन्स्डेंस में लेके आपके कानून बनाए जा सकते हैं ठीक है ऑब्लीगेटरी फॉर सिटीजन्स टू फॉलो अच्छा अगर मैं कहूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाई फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट एक्ट एंड दी दिस ड्यूटीज वर मेड वर मेड फॉर और अप्लाइड ऑन सिटीजन्स सिटीजन्स एलियंस और ओनली एलियंस तो आप क्या कहेंगे केवल नागरिकों के लिए है नागरिकों और एलियंस यानी कि विदेशियों के लिए भी है या केवल विदेशियों के लिए है शायद कई लोग कहेंगे कि सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है फिर रेस्पेक्टिंग आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन है नेशनल फ्लैग है नेशनल एंथम है सर ये तो चाहे इंडिया में सिटीज़न हो या फॉरेनर हो सब पर लागू होनी चाहिए है कि नहीं ऐसा कैसे सर कोई फॉरेनर नेशनल फ्लैग की आ, कुछ डिसरेस्पेक्ट कर देगा हम तो कानून के तहत तो उसको सजा दे देंगे तो इस लॉजिक से बच्चा कहेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज मेंशन इन पार्ट फोर ए बल ऑन सिटीजन एज वेल एज फॉर बच्चा ऐसा सोचेगा ऐसा नहीं है। गलत हो जाएगा केवल सिटीजन के लिए ऑब्लीगेटरी अब आप कहेंगे सर उस फॉरनर का क्या होगा जो डिसरेस्पेक्ट कर गया है तो देखिए उसके लिए हमारे पास अलग से पार्लियामेंट का कानून है ना यानी कि हमारे पास नेशनल ऑनर्स एक्ट है तो यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हम फंडामेंटल वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम कोई विदेशी सैलानी आया तो उस पर कोई अलग से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं लगा रहे यहां पर कि भाई आप आए हो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है नहीं आप खुद ही सोचिए स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म ये सब हम किससे एक्सपेक्ट करेंगे क्या फॉरेनर्स से एक्सपेक्ट करेंगे नहीं हमें क्या फर्क पड़ रहा है क्योंकि एक्चुअली वो तो दूसरे का सिटीजन है वो अपने देश की तरक्की में मुख्य भाग नहीं भाएगा हमें उनकी पड़ी हुई है जो भारत के नागरिक हैं तो लॉजिकली ये सिटीजन के लिए बनाई गई और रही बात अगर कोई वायलेंस करेगा फॉर एग्जाम्पल पब्लिक प्रॉपर्टी आपको नहीं नुकसान पहुंचाना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी अगर कोई और पहुंचाएगा तो उसके लिए हमारे पास अलग कानून है ना समझ रहे हैं जैसे नेशनल फ्लैग के लिए नेशनल ऑनर्स एक्ट है हम उसके तहत कुछ कार्रवाई करा देंगे उस पर राइट right? तो यानी कि इट इज ओनली फॉर सिटीजन ठीक है नो प्रोविजन फॉर सेंक्शन टू प्रिवेंट यानी कि यहां पर कोई ऐसे यहां पर मैंने बताया आपको कोई फाइन कोई अलग से पनिशमेंट ऐसा कुछ फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन में नहीं है पार्लियामेंट इस संबंध में लॉ लॉ बनाती है ठीक है अब जरा इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा आर्टिकल 51 ए आर नॉट मेड एनफोर्सेबल रिट ऑफ कोर्ट जस्ट एज फंडामेंटल राइट्स ठीक है बट इट कैन नॉट बी लॉस साइट ड्यूटीज इन पार्ट फोर ए उनको प्रिफिक्स किया गया था विद सेम वर्ड फंडामेंटल तो भले ही वो रिट जोशन के तहत एनफोर्सबल ना होती हो लेकिन फंडामेंटल वर्ड यूज किया गया तो ये उनकी इंपोर्टेंस को बताता है ठीक एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज फंडामेंटली ऑब्लिगेटेड टू डेवलप साइंटिफिक तो एवरी सिटीजन सिटीजन पर लगी हुई है ठीक एक और सेंटेंस आर्टिक, आर्टिकल फिफ्टी वन ए डज नॉट एक्सप्रेसली कास्ट एनी फंडामेंटल ड्यूटी ऑन द स्टेट अब अगर ये कहा जाए कि कलेक्टिवली फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ऑल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट तो बच्चा कहेगा नहीं ये तो पड़ा हुआ है मैंने कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो तो सिटीजन के लिए बनी है स्टेट के लिए नहीं स्टेट के लिए तो हो तो गया डीपीएसपी डायरेक्टिव पी तो स्टेट पॉलिसी प्लस फंडामेंटल राइट में भी कई जगह हमने है स्टेट की जिम्मेदारियां दे दी हैं क्या नहीं करना है क्या करना है लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये बात कही ये रामला मैदान वाले केस की बात है प्लस एक और केस था एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स तो उसमें स्टेटमेंट निकल कर आया था देखिए

नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल तो ये सारी की सारी ड्यूटीज कलेक्टिवली स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है है कि नहीं ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज द कलेक्टिव ड्यूटी ऑफ द स्टेट क्लियर बात ये बात याद रहेगी इज इट क्लियर ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन पूछेगा ट्रैप कलेक्टिवली ये कहीं मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकल कर आया है ठीक है आपकी फंड एप ड्यूटीज कलेक्टिवली स्टेट की भी ड्यूटीज हैं ठीक है ध्यान रखिएगा बाउट डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्शन प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत स्टेट पॉलिसी यानी कि स्टेट जब भी कोई नीति बनाएगी डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए तो वहां पर इन डायरेक्टिव को डायरेक्शन को ध्यान रखेगी राइट right? क्लासिफिकेशन क्या है तो तीन क्लासिफिकेशन आपने सुने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज राइट नंबर वन की सोशलिस्ट आइडियल्स हैं इसमें नंबर टू गांधी आइडियल्स हैं नंबर थ्री लिबरल आइडियल्स हैं ये बेसिक आपने डिफेंसिएशन सुना होगा सोशलिस्ट कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं कुछ गांधीयन है कुछ लिबरल है बट क्या ऐसा क्लासिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया ये ठीक है ये हमारा एनालिसिस है कि देर आर सम आर्टिकल्स विच आर कनेक्टेड टू गांधीयन आइडिया दोनों मिलेगा आपको जैसे आर्टिकल फोर्टी सेवन अभी बताऊंगा आपको तो ओवरलैप भी हो सकता है तो ऐसा क्लासिफिकेशन किया नहीं गया ठीक है इससे एक बात पता लगी हमें जर्नलिस्ट पता लगा वो ये इंडिया का जो डीपीएसपी है पार्ट फोर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इट इज फ्री फ्रॉम एनी एनी इज्म फ्री फ्रॉम एनी पर्टिकुलर इज्म मतलब क्या है स्टेटमेंट का 2017 के बाद से यूपीएससी प्रिलिम्स में भी इस तरीके से स्टेटमेंट बनाने लग गई पहले केवल इसका मेंस में यूज होता था इज्म का मतलब जैसे कि सोशलिज्म इज्म मतलब होता है आइडियोलॉजी ये रिप्रेजेंट करता आइडियोलॉजी जैसे कि लिबरलिज्म अब अगर मैं बता रहा हूं कि इंडिया का जो डीपीएसपी है इट इज फ्री फ्रॉम एनी पर्टिकुलर इज्म तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के ही पॉइंट्स को उसमें ऐड किया गया है यानी कि मल्टीपल आइडियाज को इसमें ऐड किया गया है ठीक है ना तभी हमने कुछ आइडियाज को गांधी आइडिया कहा गांधी आवर जेनिंग्स का कहना है कि यह कहना कि भारत में सोशलिज्म है सोशलिस्ट आइडियाज हैं, तो आप यह कह सकते हैं हाँ कुछ सोशलिस्ट आइडिया लेकिन सोशलिज्म के आधार पर डीपीएसपी है यह कहना गलत होगा क्योंकि लिबरल आइडियाज भी हैं इनका कहना है कि कांस्टेंट असेंबली ने भी जब डीपीएसपी ऐड करने की बात कही तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बात कही कि वी आर गोइंग टू हैव सोशलिस्टिक पैटर्न इन प्लानिंग सोशलिस्टिक पैटर्न डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्टिक पैटर्न इन प्लानिंग एंड सोशलिज्म बिकॉज वेन आई से सोशलिज्म इट मीनस आई एम सींग द पर्पज इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर दैट वी मे हैव टू कट द पॉकेट्स ऑफ रिच अमीर की जेब को काटकर और कोशिश होगी सरकार की सब में सब कुछ बराबर बांटना जाए कोशिश होगी ऐसा नहीं था जवाहरलाल नेहरू जी का भी पर्पस सोशलिस्टिक पैटर्न था प्लानिंग का यानी कि सरकार जब पॉलिसी बनाएगी तो फोकस होगा कि इनइालिटी कम हो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमीर से लेकर सब कुछ सब में बराबर बांट दो ऐसा नहीं है जेनिक्स कहते हैं कि यहां पर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फैबियन सोशलिज्म दिखता है डीपीएसपी में वो कहते हैं फैबियन सोशलिज्म। इन बातों को ध्यान में देख लेना चाहे लक्ष्मीकांत में ना हो क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे पूछ लिया था आपसे गांधीयन सोशलिज्म एंड मार्क्सियन सोशलिज्म में डिफरेंस से यूपीएससी ने स्टेटमेंट बना दी प्रिलिम्स में

बहुत ही पॉपुलर आइडिया था लंडन में फैबिन सोशलिज्म ये कहता है कि हम सोशलिज्म तो लाएंगे मतलब कि इनक्वालिटी को कम करेंगे बेसिकली इन डिक्रीज करेंगे बट नॉट वायर रिवोल्यूशन रेवोल्यूशन के रास्ते नहीं जैसे कॉम्युनिस्ट कहते हैं उसके रास्ते नहीं फैबिन वर्ड रिप्रेजेंट करते हम लाएंगे फेज मैनर में लॉ बनाकर यानी कि पॉलिसीज से यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम नीतियों को लाते रहेंगे सरकार नीतियों को लाती रहेगी स्टेट नीतियों को लाती रहेगी और इसके थ्रू एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिक्रीज इन इक्वालिटी इवन डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज इन फेवर ऑफ दिस आइडिया कि डीपीएसपी के थ्रू हम इन इक्वालिटी को कम करेंगे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करेंगे आर्थिक जो विषमताएं हैं उस पर सरकार सपोर्ट देगी क्षमता मीन वी एम टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेटरी स्टेज डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी सपोर्ट करते थे स्टेट सोशलिज्म के आइडिया को कि स्टेट सपोर्ट करेगी कि इन इक्वालिटी कम हो ठीक है लेकिन ध्यान दीजिएगा सब में सब कुछ बराबर बांटने की बात नहीं अगर कहा जाए कि डी पी एस पी मैंशन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म गवर्नमेंट इज गोइंग टू नेशनलाइज रिसोर्सेस ऑफ इंडिया सो एज टू रिड्यूस दिन इक्वालिटी तो क्या ये मैंशन है कि भारत सरकार राष्ट्रीयकरण कर देगी डिफरेंट सेक्टर्स का संसाधनों का जिससे कि इन को कम किया जा सके तो आप कहेंगे नहीं ऐसा मेंशन नहीं है जब यूपीएससी आपको ट्रैप में लेना चाहेगी तो पता है क्या करेगी वो कहेगी इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन वेरियस प्राइवेट सेक्टर बैंक वैशनलाइज बाई इंडियन गवर्नमेंट एज पर the nationalization as a route to reduce inequality mentioned in DPSP under socialist credentials. अब बताओ क्या करोगे इस statement में true बोलोगे कि false बोलोगे? तो इसको हम कहते हैं blending technique, जहाँ पर आपकी understanding की depth को check करती है UPSC. जो बच्चा factual factual रटेगा वो कहेगा हाँ हाँ अरे ये तो पढ़ा आ गया, पढ़ा हुआ आ गया कि यहाँ nationalization किया था यार 6980 और हाँ नेशनलाइजेशन से ये भी पर्पज़ था कि बैंक्स जो हैं सुदूर इलाकों में गाँव और आसपास की जगहों पर बेनिफिट्स दे सकें प्राइवेट सेक्टर वो नहीं कर सकता सोशल वेलफेयर वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है और डी में भी हाँ सर ने बताया था कि सोशलिस्ट क्रेडेंशल्स तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू लग रही है लेकिन वो कह रहा है एज मैंशनड इन डी पी एस पी कहाँ मैंशन है भाई अभी बताऊंगा कहीं मैंशन नहीं है ये बात क्लियर बात तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी इन इक्वालिटी को रिड्यूस करना मेंशन है लेकिन नेशनलाइज करके आप ऐसा करोगे यह कर सकते हो यह मेंशन नहीं है नेशनलाइजिंग रिसोर्सेस टू तो रिड्यूस इन इक्वालिटी ऐसा मेंशन नहीं है तो वर्ड मेंशन पर ध्यान देना ठीक है क्लियर है बात मुझे लग रहा है आप थोड़ा डेप्थ आप आपको क्लियर हो रही होगी मैं नहीं चाहता कोई भी क्वेश्चन आपसे पॉलिटी का गलत होना चाहिए आइडियल्स विच स्टेट शुड स्ट्राइक फोर ये मैंशन है डीपीएसपी में ये तो बताया आपको कि भाई इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करना है डायरेक्शन टू लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कि भाई देखो जब आप कानून बनाओ जब आप उसको implement करो तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना ठीक है नॉन enforceable राइट्स हैं कहने का मतलब है आप ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाके नॉक नॉक करोगे अरे ये DPSP में मेंशन है मुझे नहीं मिला कोर्ट कहेगी अरे डीपीएसवी पढ़ कर आते डीपीएससी में एनफोर्सेबल रखा ही नहीं गया उसको आप कहोगे ये कैसी बात है तो कोर्ट कहती है अरे आर्टिकल थर्टी सेवन पढ़ो तो बताऊंगा आपको नाउ अब जरा नेचर देखिए इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये आ, क्या एक्चुअली यहां पर स्टेटमेंट दी हुई है में अकॉर्डिंग टू सर जेनिंग्स द जेनिंग अंडरलाइंग मोस्ट ऑफ द मोस्टिजन सोशलिज्म विदाउट द सोशलिज्म ये जो मैंने आपको समझाया वही बात लिखी है इज्म नहीं है और ये सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है नॉट सोशलिज्म सोशलिस्टिक पैटर्न है नॉट सोशलिज्म ठीक है नाउ स्कोप क्या है कि वी हैव टू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स चाहे वो लॉ मेकिंग हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो ठीक है दोनों जगह पर इन प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान रखना है ठीक है तो एक तरीके से ड्यूटी ऑफ द स्टेट है ठीक है एम क्या है जिससे हम सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर सकें अब जरा इस टर्म को समझ लेते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कॉन्स्टेंट असेंबली ने धन्यवाद किया कि सर फाइनली वी हैव फाइनलाइज्ड इट एंड कॉन्ग्रेचुलेट

बी आर अंबेडकर ने फिर एक्सप्लेन किया उन्होंने कहा कि देखो जो चीजें हमने लॉ में मेंशन कर दी कि हां ये तो कोर्ट के द्वारा मिलेंगी मिलेंगी। जैसे कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका फंडामेंटल राइट right है आर्टिकल फिफ्टीन आर्टिकल सिक्सटीन एक्सेट्रा सब फंडामेंटल राइट right है जैसे कि आर्टिकल 16 स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ डिसेंट रेजिडेंस ये तरीके हैं जिसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा व्हेन इट कम्स टू तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरियों में इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा तो ठीक है अगर हमारे समाज में भेदभाव होता है तो आर्टिकल थर्टी टू के रास्ते से लोग जा सकते हैं कोर्ट में और अपना अधिकार ले सकते हैं तो ठीक है ये एक पॉलिटिकल एलिमेंट तो आएगा कि वहां पर पोलिटिकल डेमोक्रेसी आएगी जब मैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी शब्द यूज करता हूं तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि इसका मतलब है कि हां वोट देने की पावर है और इलेक्ट होने की पावर है ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन बच्चे कहीं कहीं पढ़ते हैं बट एक्चुअली इससे बहुत ही एक्सपेंडेड मीनिंग है इस बात का क्योंकि जब मैं कहता हूं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इट मीन्स वेन इट कम्स टू योर रिलेशन विद द गवर्नमेंट एंड द वर्ड इज डेमोक्रेसी इट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव इक्वल एक्सेस इक्वल स्टेटस एक्सेस भी इक्वल है स्टेटस भी इक्वल है अपॉर्चुनिटीज भी इक्वल है तो ठीक है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी स्टेटस मिल जाएगा सरकार के साथ मिल जाएगा ये आपको लेकिन जब समाज में जाओगे क्यों तो क्या गारंटी है कि समाज में भी वो इक्वल स्टेटस अपॉर्चुनिटी मिलेंगी मिलेंगी नहीं जरूरी नहीं सो डॉक्टर बी अम्बेडकर का कहना था कि समाज में डेमोक्रेसी आएगी कि नहीं आएगी वो एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट टास्क है यानी कि हमने पर्याबल में बोल दिया कि पॉलिटिकल जस्टिस होगा सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रिवियल टास्क वेदर दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी ग्रेटर नॉट इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर जनरेशन यह आने वाले समाज पर निर्भर करेगा कि यह संविधान वाकई एक महान संविधान बनेगा कि नहीं यह हम नहीं डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फेमस हमने अपनी तरफ से जो बेस्ट था वो किया तो मुझे लगता है कि आप आप एग्री करोगे इस बात से राइट right? इसी वजह से ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर वेलफेयर स्टेट है जिससे कि अगर सोशल या इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सम पीपल आर इन डिसएडवांटेजेस पोजीशन देन गवर्नमेंट शुड स्टेप अप गवर्नमेंट शुड बी देयर फॉर देयर वेलफेयर दैट इज वाई वी आर यूजिंग द वर्ड वेलफेयर स्टेट राइट तो जैसे गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं सब्सिडीज होती हैं एजुकेशन फ्री एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं फ्री हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं ऑल ऑफ दीज कमर द डेफिनेशन ऑफ वेल्फेयर स्टेट राइट जैसे आयुष्मान भारत योजना पोषण अभियान ये सब वेल्फेयर स्टेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है नॉट सोशलिस्ट मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न रखेंगे जिससे इनक्वालिटी कम हो अब देखिये नेशनलाइजेशन किया गया इंदिरा गांधी जी ने द्वारा तो वो सोशलिस्टिक पैटर्न की का एक एग्जाम्पल था बट दिस इज नॉट मैंशनड शंड ये तो उन्होंने यूज किया नेशनलाइजेशन को ठीक है ना यहां पर मेंशन नहीं है डीपीएसपी में एज मेंशन इन डीपीएसपी ठीक है वैसे अगर मुझे इससे भी और अच्छा ट्रैप क्वेश्चन बनाना होगा ना तो मैं डीपीएसपी और आर्टिकल थर्टी वन ए फंडामेंटल राइट्स थर्टी वन कैपिटल उसको इन्फ्यूज करके और, और खूबसूरत ट्रैप बना सकता हूं ठीक है तो इससे आपको इंडिकेशन क्या मिला कि सर हम आर्टिकल थर्टी वन ए की भी डेफिनेशन को जरा एक बार देख लेते हैं ठीक है क्या मतलब है आर्टिकल थर्टी वन ए में कौन सी पावर स्टेट को दी गई है दोज विच कैन बी ट्रीटेड एज एक्सेप्शन टू अदर फंडामेंटल राइट थर्टी वन ए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से क्योंकि वहां पर अमलगमेशन ये पावर है और कॉर्पोरेशं uh, में सरकार एंगेज हो सकती है पावर है ठीक है ना तो हिंट आपको दे दिया मैंने कि भाई क्वेश्चन बन सकता है ट्रैप वाला अगर मेरे दिमाग में ट्रैप आ रहा है और मुझे लग रहा है कि 90 परसेंट स्टूडेंट इसमें ट्रैप हो जाएंगे पढ़ने के बाद तो यूपीएससी को तो पता ही है ठीक है ना ना फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट से वर्ड एड किया गया सोशलिस्ट हमारे प्रयाम्बल में तीन वर्ड एड किए गए थे सोशलिस्ट सेक्युलर और जो ऑब्जेक्टिव था उसमें वर्ड था इंटीग्रिटी राइट right? न्यू डायरेक्टिव आर ऑल्सो एडेड इन पार्ट फोर जैसे थर्टी नाइन एन फोर्टी थ्री ए अभी इनके बारे में हम जानेंगे आर्टिकल थर्टी नाइन ए क्या कहता है फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड टेक अदर स्टेप्स एंश्योर इक्वल जस्टिस टू ऑल जैसे कि आपने सुना होगा नालसा के बारे में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी तो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट उसके तहत एक्चुअली नालसा बनी क्या करती है जैसे कि मुफ्त वकील की सुविधा प्रदान करती है अगर किसके पास पैसा नहीं है राइट right? अच्छा अगर मैं कहूं कि लोक अदालत वर ऑल्सो क्रिएटेड एज पर लीगल सर्विस एक्ट एंड दैट्स वाई लोक अदालत कैन बी कॉल्ड स्टैचुरी इंस्टीट्यूशन स्टेटमेंट वुड बी ट्रू और फॉल्स कम ऑन सब पार्टिसिपेट कीजिए आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो मैं ट्रैप बनाता रहूंगा ठीक है कमॉन मैं दोबारा रिपीट करूं मैंने कहा कि जो लोक अदालत है जो आप जुडिशरी वाले चैप्टर में पढ़ोगे मैं पढ़ाऊंगा तो लोक अदालत जो है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो पार्लियामेंट का कानून आया था उसी के तहत बनी थी और इस वजह से लोक अदालत को स्टैचुरी इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है बताइए मुझे स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स देखिए आप गलत जवाब दें सही जवाब दें मैटर नहीं करता पर्पस है कि आप गलत जवाब देंगे साइकोलॉजी का रूल है कि जैसी मैं आपको सही जवाब दूंगा यहीं के यहीं आपको गलती पता लग गई दिमाग में बैठ जाएगा आपके ठीक है यू हैव टू बी अ बिट फास्ट लेट मी स्क्रोल डाउन दिस आंसर पता क्या है आंसर है देखिए शिवेंद्र हैं या सो मेनी स्टूडेंट आर सेइंग कि हाँ सर फॉल्स है ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है है ना आंसर इज ट्रू श्रुति इज आल्सो सेइंग फॉल्स आंसर इज ट्रू ठीक है तो आपका क्या दिमाग ओपन हुआ कि जरा देख लेते हैं भाई लोक अदालत लीगल सर्विस एक्ट के तहत बनी है ठीक है ना ध्यान रखना जुडिशरी में दोबारा ही आएगा मैंने इसका जिक्र क्यों किया क्योंकि ये फ्री लीगल एड से कनेक्ट करता है जैसे मान लीजिए श्रद्धा या चलिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर किसी स्टूडेंट का कोई केस चल रहा है इन नॉर्मल कोर्ट कोर्ट और court ने कहा कि, भाई ये तो ऐसा है कि आप लोक अदालत आप, तो आप अपना, case, अपना जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लेते हैं तो जो आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पैसा दिया था एक लीगल फीस आपको देनी पड़ती है कोर्ट फीस वो आपकी वापस हो जाती है राइट right? तो यानी कि आपको फ्री लीगल एड मतलब वकील से आपको गाइडेंस भी फ्री मिल सकती है और आपका रेजोल्यूशन भी फ्री हो रहा है तो एक तरीके से जो जस्टिस है वो सबको मिले आ, ये यहां पर सोल्व हो, हो, रहा? हो रहा है ठीक है ना मतलब अगर आप जवाब देते रहे ना तो मैं इतनी गहराई तक ट्रैप बना सकता हूं इसमें कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी पॉलिटी में बट फॉर दैट वॉट आई नीड आई नीड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन दिस डी डी बासू प्लस सीरीज वैसे करोगे मैं वो ट्रैप में आ जाऊँ मतलब जबरदस्त ट्रैप बन जाएंगे फिर उसके बाद दुनिया की कोई भी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज कोई भी क्वेश्चन आप उठा लेना आप उसका पोस्टमार्टम करके रख दोगे दैट्स माई गारंटी टू यू बट फॉर दैट पार्टिसिपेशन आर्टिकल फोर्टी ए एनश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है तो ये कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स जो है मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में अंडरटेकिंग्स में इंश्योर कराया जाएगा कई लोग सोचते हैं ये कैसे एक डीपीएसपी हो गया स्टेट कैसे कराएगी तो स्टेट लॉ बना सकती है ना फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ तो कंपनी लॉ में गाइडलाइंस इशू कर सकती है कि इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है तो ऐसे में आपको रेगुलरली मीटिंग्स करनी होंगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा मतलब उसके इंप्लीमेंटेशन में इंश्योर uh, हो करना होगा वर्कर्स काउंसिल होंगी तो एक्चुअली ऐसे लॉज तो ये लेबर लॉज तो ये एक्चुअली दे आर इन कॉन्सेंस टू दिस पर्टिकुलर डी पी एस पी फोर्टी थ्री ए नाउ आर्टिकल फोर्टी मतलब क्या कहता है टू मिनिमाइज इन इक्वलिटीज इन इनकम एंड एलिमिनेट इन इक्वालिटीज ऑफ स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज सरकार ये कोशिश करेगी कि इन इन स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज वो रिड्यूस हो यानी कि जो सेवाएं केवल अमीर वर्ग के लिए उपलब्ध हैं वो अन्य वर्गों के लिए भी उपलब्ध हों थर्टी एट प्रमोट वेलफेयर पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग जस्टिस ये देखिए आर्टिकल थर्टी एट डायरेक्टली प्याम्बल से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्याम्बल में जब हम ऑब्जेक्टिवस में पढ़ते हैं तो पहले ही ऑब्जेक्टिव क्या है जस्टिस और जस्टिस क्या है सोशो इकोनॉमी पोलिटिकल तो अगर कह दें कि आर्टिकल थर्टी एट शनिंग जस्टिस और द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस आर एज मैंशन इन प्यांबल एज एन ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही बात है भाई थर्टी एट और प्याम्बल में जो जस्टिस वाला कॉम्पोनेंट है सेम है तो ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा ठीक है यह पता होना एक बात है कनेक्शन वाला पार्ट दिमाग में रखना है फोर्टी फाइव एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया आपको दिख रहा है ये राइट टू एजुकेशन से कनेक्टेड है तो आप देख रहे हैं कि एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट right में भी चेंज हुआ डीपीएसपी में चेंज हुआ और साथ में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में चेंज हुआ तो अगर कहा जाएकेशन इन फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी स्टेटमेंट वी ट्रू और फॉल्स यानी कि एटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी तीनों में चेंज हुआ बात सही है कि नहीं है अरे बिल्कुल बात सही है ट्रू फंडामेंटल राइट आपको बता चुका हूं ट्वेंटी वन ए में फंडामेंटल ड्यूटी अभी, अभी अभी आपको पढ़ा है याद आ रहा है लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी राइट एडेड और डीपीएसपी बता ही रहा हूं आपको 45 ठीक है प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ सिक्स इयर्स वैसे मुझे बताइए इस डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए अब यहां पे अब सरकार की कोई योजना है कि नहीं है जी हाँ है फॉर एग्जाम्पल आई सी डी चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये जो आपको दिख रहा है नहीं क्या दिख रहा है आपको ये आंगनवाड़ी दिख रहा है आपको तो आईसीडीएस स्कीम के तहत आंगनवाड़ी ओपन की गई वहां पर एक आंगनवाड़ी वर्कर और एक आंगनवाड़ी हेल्पर होता है एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू परपस क्या है दो पर्पस प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंड न्यूट्रिशन इस तरीके से पॉइंट्स बना देता है तो शिक्षा और न्यूट्रिशन क्योंकि खाना वहां पर प्रोवाइड किया जाता है थर्ड बी टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉरमेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर कहा जाए नाइनटी सेवेंटिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से डी पी एस पी में भी अमेंडमेंट हुआ और साथ में फंडामेंटल राइट right में हुआ तो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आंसर इट ट्रू याद करो फंडामेंटल राइट right आपको पढ़ाया है याद है न आर्टिकल नाइनटीन आर्टिकल नाइनटीन सब क्लास वन जब आपको बताया जाता है ना राइट टू फॉर्म एसोसिएशन तो एसोसिएशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ऐड किया गया ठीक है ना तो ऐसे में वो बात ठीक है और 43 बी में खुद ही कह दिया फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाउ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर कंपेयर करें फंडामेंटल राइट से लिमिटेशन है एक तरीके से स्टेट के ऊपर फंडामेंटल राइट कारण फंडामेंटल राइट को मेजरली हम नेगेटिव राइट्स भी कहते हैं अब का मतलब वो नहीं होता जो अच्छा बुरा वाला नेगेटिव है यहां पर नेगेटिव का मतलब यह होता है कि ये स्टेट पर कुछ लगाम लगाते हैं कि स्टेट तुम्हें यह नहीं करना है ठीक है तभी जाकर लोगों को राइट्स मिल पाएंगे तभी हम इसको क्या कह रहे हैं नेगेटिव राइट ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है टू द गवर्नमेंट इनको हम पॉजिटिव राइट भी कहते हैं यहां पर पॉजिटिव राइट का मतलब होता है कि भाई स्टेट तुम्हें यह करना है तब जाकर दूसरे को उसके अधिकार मिल पाएंगे तो आपको क्या पता लगा कि जो राइट्स होते हैं ना वो भी दो पार्ट दो तरह के होते हैं राइट्स दो टाइप के नेगेटिव पॉजिटिव हैं दोनों अच्छे नेगेटिव पॉजिटिव इज अ कैटेगराइजेशन टू ईज आर अंडरस्टैंडिंग नेगेटिव का मतलब क्या है जब स्टेट पर हमने लिमिटेशन लगा दी कि स्टेट तुम्हें इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है जैसे आर्टिकल 15 की लैंग्वेज क्या कहती है स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट तो स्टेट तुम्हें यह नहीं करना है नेगेटिव राइट right हुआ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16 ने भी क्या कहा स्टेट नॉट डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव राइट हुआ तो यानी कि फंडामेंटल में मोर ओवर हमें नेगेटिव राइट दिखते हैं ठीक है पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि स्टेट लक्ष्मण रेखा का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव राइट में हम कह रहे हैं स्टेट तुम्हें ये करना है जैसे इन को रिड्यूस करना है वेलफेयर पर ध्यान देना है राइट फ्री लीगल एड देनी है तो इसको हम पॉजिटिव राइट कहते हैं तो यानी कि जो पॉजिटिव राइट right है डीपीएसपी में, में दिखते हैं नेगेटिव राइट right हमें फंडामेंटल राइट्स में दिखते हैं तो आई थिंक ये बात क्लियर रहेगी आपको सम आर डायरेक्टली जैसे एनफोर्स डायरेक्टली एनफोर्स मैंशन है तो मतलब ये लागू है ठीक है डीपीएसपी में लेकिन ये इंप्लीमेंटेड बाई लेजिस्लेशन होते हैं क्योंकि यहां पर लॉ बनाना होता है अच्छा डीपीएसपी के थ्रू क्या केवल लॉ बनाने के प्रोसेस पर डीपीएसपी की डायरेक्शन लागू होती है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन पर भी होती है यानी कि एग्जीक्यूशन पर भी होती है तो एग्जीक्यूशन करते समय भी आप डीपीएसपी के सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं और लॉ मेकिंग पर भी तो कहने का मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन फर्दर एक्शन ठीक है फंडामेंटल राइट वहीं से अप्लाई हो जाते हैं दीज आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप आर्टिकल थर्टी के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत भी आप डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं राइट लेकिन डीपीएसपी देर नॉट एनफोर्सेबल नॉट जस्टिसबल राइट तो कोर्ट्स आर नॉट कम्पीटेंट टू कंपेल द गवर्नमेंट कि आप इसको फॉलो करो ठीक है लेकिन अगर डीपीएसपी पर ऑलरेडी कोई लॉ बन चुका है तो भाई उस लॉ को इंप्लीमेंट करना तो जिम्मेदारी है सरकार की राइट तो उस केस में आप जो है कह सकते हो डीपीएसपी जैसे वो मेंशन उन उन पर उन बेस पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ rights, तो 32, 26, अभी आपको अगर ना मिले तो आप थर्टी राइट की मांग कर सकते हो लेकिन डीपीएसपीबल राइट आर्टिकल थर्टी वन सी एक्सेप्शन क्या कहता है एक्सपेंडेड मतलब कुल मिलाकर बात यह है, यह कहता है कि देखो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई हमने ऐसा कानून बनाया जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है फोर्टीन नाइनटीन को तो भी ये मानकर चलना कि वो लॉ नल एंड वर्ड नहीं होगा वो लागू रहेगा मतलब कि क्या हुआ कि देखो भाई जो डीपीएसपी है वो जिम्मेदारी दी है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने पार्ट फोर में सरकार को कि जैसे इनइक्वालिटी को कम करना अब इनक्वालिटी को कम कैसे करें जवाहरलाल नेहरू जी के सामने चैलेंज था जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उन्होंने देखा कि जमींदारी के वजह से इस इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से एक्चुअली कितने सारा लैंड जो है कुछ कुछ जमींदारों के पास ही कंसेंट्रेटेड है बाकी लोग लैंडलेस हो गए हैं तो यानी कि सिस्टम की खामी की वजह से वो लोग लैंडलेस हो गए जमींदार के पास ये पावर थी लैंड को ले सकता था एक्स्ट्रा सूद वसूला जा रहा था एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जा रहा था मतलब यू कैन से जितना वाजिब नहीं था उससे ज़्यादा वसूला जा रहा था तो अब ये सिस्टम की खामी थी कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया अब डीपीएसपी की माने तो हमें जमींदारी को प्रोहिबिट कर देना चाहिए जो एक्स्ट्रा लैंड है उसको लेकर रिडिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए लैंडलेस लेबर में जो उसको मतलब उनका पुराना हक उनको वापस मिल जाए जो ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से छिन गया था तो आप कहेंगे बिल्कुल अच्छी बात है भाई डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है लेकिन जमींदार कहेगा कि भाई मैं भी भारत का नागरिक हूं ब्रिटिशर्स के साथ वापस भेज देते अगर इतनी ज्यादा करनी थी, थी हमारे साथ तो वो कहेगा कि भाई फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नाइनटीन सब क्लॉज एफ प्लस आर्टिकल थर्टी वन ये दोनों आर्टिकल कनेक्टेड थे राइट टू प्रॉपर्टी से बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद तो अगर आप इस डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करके जमींदार से जमीन लोगे तो वो कहेंगे राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट right का वायलेशन और वो भी सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा तो यहां पर एक लीगल इशू हो जाएगा तो ऐसे में बना दिया यहां पर थर्टी वन सी कहा कि देखो भले ही अगर मान लीजिए किसी का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो, ठीक डी लेकिन देखो डीपीएसपी को यहाँ पर ऊपर तो पर आते हुए देखा इन पर्टिकुलर केसेस में साथ में इसके बाद ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर जिसके थ्रू पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है इस बात को स्थापित किया गया और जुडिशरी ने भी इस बात को सही माना उसके बाद इवन कर दिया गया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कहा गया कि इसमें जिस भी कानून को हमने रख दिया तो समझ लेना वो कानून जुडिशियल रिव्यू के बाहर होगा यानी कि जुडिशरी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ इस आधार पर उस कानून को रद्द नहीं कर सकती ये एक्चुअली गुड इंटेंशन से उन्होंने किया था हालांकि जुडिशरी का कहना था भाई आने वाले सरकार इसका दुरुपयोग भी तो कर सकती है ये वाली बात है टूल अच्छा था लेकिन इसका मिस हो सकता था खैर तो लॉ इंप्लीमेंट इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी कंटेन पार्ट वुड बाय टोटली इम्यून फ्रॉम ऑन ऑफ तो यानी कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई कानून बने तो इम्यून रहेगा आप उसको यह नहीं कह सकते फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है और फोर्टीन का वायलेशन हुआ इस वजह से आप उसको नल इनवॉइड कर देंगे कारण क्योंकि जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो तो मैंने आर्टिकल थर्टीन आपको बढ़ाया था आर्टिकल थर्टीन क्या कहता है एनी लॉ विच इज इनकन्सिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट तो ऐसे में उसको न लेंगोइट किया जा सकता है तो आर्टिकल तेरह इज लाइक तेरा भाई तेरह तेरह से ऐसे याद आदर से तेरह तेरह भाई मतलब फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तो आर्टिकल तेरह एक्टिवेट हो जाता है बचाने के लिए फंडामेंटल राइट को तो यहां पर ये यह कह रहा है कि देखो भाई आर्टिकल तेरह तुम मत एक्टिवेट होना होना क्योंकि ऑलरेडी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने की बात आई तो भाई वो अच्छे इंटेंशन के लिए कर रहे हैं क्वालिटी को कम करने के लिए कर रहे हैं तो अगर कुछ लोगों की फॉर एग्जाम्पल जमींदारों की अगर कुछ राइट्रिज हो रहे हैं तो होने दो राइट मिनिमम केस रेस्ट्रिक्टेड आर्टिकल दोस्टेडिकल सी टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ थर्टी नाइन बी एंड सब क्लॉज सी ओनली कि ठीक है सब क्लॉज बी सब क्लॉज सी तक अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहो यानी कि थर्टी नाइन क्लॉज बी सब क्लॉज सी में जो डीपीएसपी है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाओगे वो चलो ऊपर मान लेंगे भले ही वो फंडामेंटल राइट right का वायोलेशन करो लेकिन ये नहीं कि ऑल कि भाई सारे डीपीएसपी को आप फंडामेंटल राइट right से ऊपर रख लोगे राइट right? नहीं तो फिर फंडामेंटल राइट का फिर फंडामेंटल कहना नागवार गुजरेगा राइट right? तो एक बात ये उन्होंने कही कि फंडामेंटल राइट right और डीपीएसपी में ना एक बैलेंस लाओ इसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि कौन ऊपर है कौन नीचे है ठीक है टोटल एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशल रिव्यू इज वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये बात कह दी गई कारण मैंने अभी आपको बताया ड्यूल एड हुआ और नाइन्थ्यूल क्या है एक लिस्ट लिस्ट है कि इस लिस्ट में जिनको हमने कर दिया उस उस लॉ लॉ की तरफ तो तो देखना ही मत उस पर तो सुरक्षा कवच लग गया है जी जुडिशरी ने कह दिया मिनवा मिल केस में भाई ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं चलेगा ये क्या बात हुई मतलब जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड मतलब जुडिशियल रिव्यूज लाइक बेसिक स्ट्रक्चर तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं हम होने देंगे तो यानी कि मिनवा मिल केस में फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में एक बैलेंस की बात की गई सब क्लॉज बी सब क्लॉज सी इन डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करो ठीक है चलेगा जुडिशियल रिव्यू होगा ठीक है टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी अंडर फोर्टी फाइव टू प्रोवाइड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन स्टेट कैन नॉट ओवर राइट फंडामेंटल राइट अंडर थर्टी क्लॉज वन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो कहने का मतलब है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको जो उनकी अधिकार दिए गए हैं Establish करना करना वो उनके अधिकार एज इट इज चलते रहेंगे ये दी गई यहां पर फंडामेंटल राइट डीपीएसपी टू व्हील्स ऑफ द चैरियट तो यानी कि मिनवा मिल केस जब भी डीपीएसपी पे क्वेश्चन आए और फंडामेंटल राइट right पे क्वेश्चन आए तो आप ये याद रखना कि मिनवा मिल केस वो केस था जिसने एक्चुअली फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में एक कॉम्प्लीमेंट्री नेचर को स्टेब्लिश किया कि देखो दोनों एक चैरियट के दो व्हील हैं अगर एक भी व्हील को आप नीचे कर दोगे एक एक व्हील छोटा व्हील बड़ा मानोगे तो चैलेट डिसबैलेंस होगा ना तो इससे एक बैलेंस आया ठीक है मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटका राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी राइट टू एजुकेशन फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम राइट टू लाइफ मोहिनी जैन केस मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे मोहिनी जैन उन्नी कृष्णन तो हम बात करें किस किस तरीके से जुडिशरी ने फंडामेंटल राइट right और डीपीएसपी में हार्मोनाइजेशन किया है यानी कैसे जो बात है, right में जो बात है। rule, मु, जो था, था, right right liberty, बात बात मेंशन मेंशन है राइट आपको तो कहने का मतलब यह है, यहां पर एक तरीके से इसका दर्जा और ज्यादा बढ़ा दिया गया आपको यह बात समझ में आनी चाहिए हमारी जुडिशियरी थी वो एक्टिविस्ट का रोल निभा रही थी वो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट right का दर्जा दे रही थी फ्रॉम मोहिनी जैन केस टू उन्नीस जन उन्नी कृष्ण केस उसके बाद जाकर हमारी पार्लियामेंट ने 86 सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया और आर्टिकल 21 ए ऐड किया बंधुआ मुक्ति मोर्चा यूनियन ऑफ इंडिया केस कंपल्सरी एजुकेशन एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशल इंटीग्रेशन तो यहां पर भी एक आ गया कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए ये एक्चुअली सोशल इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है और समाज में जो कितने सारे इवल्स हैं वो खुद ही मिट जाएंगे अगर आपने कंपल्सरी एजुकेशन कर दी शिक्षा एंटीडोट है इन सारे सोशल इवीं का फाइनली ट्वेंटी वन ए आया कहा कि 6 से चौदह साल के बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है uh, सरकार की है प्राइमरी एजुकेशन की और साथ में फिफ्टी वन ए में भी ये ऐड किया गया यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया था रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट अब है क्या जैसे कि नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन नेशनल सपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हम बात करें उन प्रोग्राम्स की जहाँ जो इम्प्लीमेंट हुए इसके बाद एज एन एप्लीकेशन चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो पोषण अभियान हो मिड डे मील स्कीम हो नेशनल ओपन स्कूल हो कि भाई आप आप फुल टाइम जॉब में हो किसी वजह से आप जॉब छोड़कर फुल टाइम एजुकेशन में ही आ सकते तो नेशनल ओपन स्कूल के थ्रू अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लो राइट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है मिड डे मील सर्व शिक्षा अभियान राइट राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट केरला एजुकेशन एक्ट अब सेंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एक तो कहा गया कि ये अपने आप में स्वतः इनफोर्सेबल नहीं है बट फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए यूपीएससी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछा था कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंशनड एज फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री ऑप्शन थे फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज और एक और कोई ऑप्शन था कई बार बच्चों को लगा कि यार फंडामेंटल राइट right लिखना चाहिए कारण कि फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल है जस्टिसबल है अगर ये ना मिले तो गवर्नेंस होगी कैसे अधिकार ना मिले तो कैसे होगी अधिकार कोर्ट के थ्रू मिलते रहे गवर्नेंस चलती रहेगी लॉजिक लगाया बच्चों ने एक तो होता गलत एक सरासर ये सरासर गलत था लॉजिक कारण क्वेश्चन था मैंशनड डीपीएसपी में खुद मेंशन है की फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री तो यानी कि आंसर क्या था डी पी एस पी था ठीक है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉसिकल थर्टी सेवन में यह बात क्लियर की गई है ठीक है इस वजह से आर्टिकल थर्टी सिक्स में तो केवल डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताई है स्टेट की वही डेफिनेशन जो आर्टिकल ट्वेल्व में बताई है यानी कि यूनियन लेवल का लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव स्टेट लेवल का लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव लोकल गवर्नमेंट्स एंड अदर सच बॉडीज जो कि गवर्नमेंट का फंक्शन करती हूं पोलिटिकल सेंक्शंस गवर्नमेंट इग्नोर्स डीपीएसपी, एंड दे विल सर्टेनली हैव टू आंसर द इलेक्ट्रेट द इलेक्शन अब जब ये बात कॉन्स्टिटेंट असेंबली में भी उठी कि आप डीपीएसपी को एनफोर्सबल नहीं बना रहे तो यानी कि आप इसको साइडलाइन कर रहे हो कि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को आप इतनी इंपॉर्टेंस बताते हो लेकिन आप इसको मैंडेटरी नहीं बना रहे तो यानी कि आगे वाली सरकारें इस पर पॉलिसी बनाएंगी गारंटी क्या है तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा कि आने वाली सरकार को बनाना होगा क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है पॉपुलर डेमोक्रेसी है हर एक व्यक्ति के पास एक वोट की पावर है और जनता ज़्यादा की बात करें अमीर है कि गरीब है गरीब है तो जो सरकार गरीबों के हत, हित में कोई स्कीम नहीं बनाएगी तो गरीब उसको वोट कैसे देगा भाई है कि नहीं तो यानी कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो बनेंगी इंप्लीमेंट होंगी क्योंकि कुछ खुद राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक जरूरत होगी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना राइट और प्लस ये वेपन्स होंगी अपोजिशन के हैंड में कि अपोजिशन ये कह सकती है कि इन, इन मुद्दों पर कानून सरकार को बनाना चाहिए सरकार ने कुछ नहीं किया है तो एक प्रेशर भी क्रिएट करेगी राइट ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे यूनियन इज कम्पीटेड टू तो इशू डायरेक्शन अगेंस्ट पर्टिकुलर स्टेट टू तो इंट्रोड्यूस क्या कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन करो प्रोहिबिट करो कंजप्शन ऑफ एल्कोहल और प्रिवेंट स्लॉटर ऑफ काउस

इनका कहना था कि देखो जो ब्रिटिश सिस्टम में जो प्रिंसिपल जिनका जिनको प्रिंसिपल का स्टेटस दिया गया था आजाद भारत में भी जो सरकार बन रही है और अगर अब भी स्टेटस प्रिंसिपल का है सो इट वुड बी लाइक अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपको इससे थोड़ा ज्यादा करना चाहिए बी एन राव एडवाइज डिविजन ऑफ राइट्स इंटू टू पार्ट जो मैंने आपको बताया था एनफोर्सिबल नॉन एनफोर्सिबल जब यह बात उठी कि राइट्स भी आपके इकोनॉमिक सोशल राइट्स भी हैं और आपके पॉलिटिकल सिविल राइट्स भी हैं तो बी एन राव जी ने कहा कि चलो ऐसे करते हैं सिविल पॉलिटिकल राइट्स तो ऐसे हैं जिनमें जिनको इम्प्लीमेंट करने में कुछ सरकार को अलग से इतना रिसोर्सेस का भार उस पर नहीं पड़ेगा जैसे इक्वालिटी बिफोर लो कानून के सामने सब बराबर है राइट डिस्क्रिमिनेशन ना करे स्टेट अपनी पॉलिसीज बनाने में जब सरकारी नौकरी दे रही है तो उसमें भेदभाव ना करे तो इसमें अलग से कोई सरकार का खर्चा नहीं होगा लेकिन जब डी की बात कर रहे हो कि भाई सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना है सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है इन टर्म जब डिसेबिलिटी की बात आए ओल्ड एज की बात आए तो यानी कि उस वाले एरियाज में गवर्नमेंट पर रिसोर्स का बोझ पड़ेगा तो ऐसे में उन्होंने कहा जिस पर रिसोर्सेज का बोझ पड़ेगा उसको नॉट इन्फोर्सेबल कर दो फिलहाल आने वाली सरकारें उस पर काम करती रहेंगी और जो अभी आप कर सकते हो उनको फंडामेंटल राइट right में डालो और उसको इन्फोर्सेबल कर दो ग्रैंडवल हॉस्टल का कहना है दीज आर एम्ड एट फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशल रेवोल्यूशन जो समाज में क्रांति आनी है बदलाव आना है ये उसका एक तरीके से गोल को सेट करेंगे डी टू फोर्स्ट द रिवोल्यूशन स्टैब्लिशिंग कंडीशन जो नेसेसरी हों अचीवमेंट के लिए जो सपने देखे गए थे बहुत पहले गोल क्या हुआ इंडियन पॉलिटी का कि हमें वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना है डीपीएसपी से क्या मिल रहा है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करेंगे राइट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होगा सोशलिस्टिक अप्रोच एम्फेसाइज करती है फोर्टी सेकेंड फोर्टी फोर्थ में क्योंकि अलग से सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड कर दिया गया अपने में है कि नहीं दो नॉट इनफोर्सेबल येट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री गवर्नेंसिकल थर्टी सेवन इसकी इंपोर्टेंस को बताता है राइट लॉ कैन नॉट बी डिक्लेयर इनवैलिड फॉर कंट्रविनिंग डीपीएसपी कोई भी कानून आपने बनाया और वो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है डीपीएसपी के खिलाफ है तो इस वजह से उसको इनवैलिड नहीं करेंगे लेकिन कोर्ट शुड एडोप्ट प्रिंसिपल ऑफ हारमोनिक कंस्ट्रक्शन यानी कि अगर कोई आपने कानून बनाया तो और वो डीपीएसपी का के बाहर जा रहा है तो ऐसा नहीं कि उस बेसिस पर आ, एक कॉन्ट्रीवीन कर रहा है तो उस बेसिस पे इनवैलिड हो जाएगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ हैज़ बीन विद रिस्पेक्ट टू मतलब क्या हुआ कि आपने कोई कानून पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया तो वो कानून सही है कि नहीं है तो इसमें अगर डीपीएसपी के प्रोविजन मेंशन है तो उसको सही करा दिया जाएगा क्योंकि मेंटेन विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपी लेकिन हा कोई कानून डीपीएसपी के बाहर जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी के बाहर क्यों जा रहा है हम इनवैलिड कर देंगे ऐसा नहीं है क्योंकि डीपीएसपी नॉट जस्टिसबल नॉट एनफोर्सबल ये बात मैंने आपको बताई केवल इसका एप्लीकेशन था कोर्ट शुड अडॉप्ट प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल की हार्मोनाइजेशन का इस्तेमाल करें फंडामेंटल राइट right और डीपीएसपी दोनों को एक्चुअली एक दूसरे की के के जरूरी होना करार दें जितना हो सके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है फंडामेंटल राइट्स के दे आर कॉम्प्लीमेंट्री आर्टिकल थर्टी नाइन सब क्लॉज बी कहता है ओनरशिप एंड कंट्रोल जो हो मेटेरियल रिसोर्सेज का तो उसमें आप उस सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इट शुड बी इन इक्विटेबल इन सेंस यानी कंसेंट्रेशन ना हो एबिशन हो इंटरमीडियज का इन एग्रीकल्चर कितने लोगों को लग रहा है कि फॉर्म लॉज जो आ रहे थे वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी आर्टिकल थर्टी नाइन सब क्लॉज बी से कनेक्ट कर रहे थे कि इंटरमीडियज को खत्म कर देते हैं बीच में जो मार्केट्स हैं ए पी एम सीज हैं उसको ख़त्म कर देते हैं और डायरेक्ट जो है वो सेलर को बेच सकता है फार्मर तो कुछ लोगों ने कहा ये इंटरमीडिएट्स को ख़त्म करने का तरीका था क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं वो किसान से बहुत ही सस्ते दामों पर ले लेते हैं और फिर जो सप्लायर होता है उसको महंगे दामों पर बेचते हैं फिर ये भी कहा गया लेकिन ग्राउंड की ज़रूरत है भाई क्योंकि एक छोटा किसान है उसके बाद छोटा कम अनाज है उसके बाद इतना पैसा नहीं है कि वो शहर तक उसको लेकर जाए

उत्तर प्रदेश में सेवनटीन बिग सेवेंटी बीघा सत्तर बीघा इससे ऊपर अगर किसी व्यक्ति के नाम पर जमीन है तो उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग जो लैंडलेस लेबर है लेकिन हर जगह पर ये एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हो पाई लैंड सीलिंग आर्टिकल फोर्टी टू ऑर्गेनाइज पंचायत ये गांधीयन प्रिंसिपल भी कहा जाता है गांधी जी का कहना था ऑर्गेनाइज तो होनी चाहिए पंचायत प्लस उनको इतनी पावर और ऐसा उनको सस्टेनेबल बनाया जाना चाहिए जिससे कि वो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट की तरह काम कर सकें यानी कि पावर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस उनको दी जानी चाहिए अमेंडमेंट एक्ट आए सेवेंटी थर्ड से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया लेकिन अभी भी कहा गया है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट की तरह काम कर ले सेल्फ गवर्नेंस हो हम उस सपने से अभी काफी दूर हैं राइट सेल्फ गवर्नेंस अभी पूरी तरह नहीं आई है इसका कारण क्या है भाई वैसे कारण ये है कि देखो आ, कि निचले स्तर पर जो जो काम हो सकते हैं उसको स्तर ऊपर स्तर की सरकार को नहीं देना चाहिए अगर ग्राउंड पर कुछ टैक्स लगाकर पंचायती राज को ज्यादा समृद्ध किया जा सकता है जिससे वो ग्राउंड पर ही विकास की पॉलिसीज वहीं पर बन जाए वहीं पर इंप्लीमेंट हो जाए तो राज्य को वो जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए बट राज्य का ओपिनियन इसके खिलाफ रहता है फोर्टी थर्ड प्रमोशन ऑफ कोटेज इंडस्ट्रीज कोटेज उद्योग यानी कि ऐसा उद्योग जहां पर बाहरी लेबर पर इतनी डिपेंडेंस नहीं है घर के लोग भी मिलकर कोई उत्पाद बना सकते हैं कुछ सेवाएं दे सकते हैं गांधी जी का कहना था कि सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए दिस इंडस्ट्री इज इंडस्ट्री इंपोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप वेरियस बोर्ड्स टू हेल्प स्टेट गवर्नमेंट्स और दीज सेक्टर्स जैसे कि ऑल इंडिया खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड अगर आपसे कह दिया जाए के वी खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इज अ स्टेचुरी बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या कहोगे खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कमॉन सी मतलब कमीशन की बात कर रहा हूं मैं फर्दर ऐसा स्टेटमेंट बना सकता है व्हेन इट सेज खादी सो पर दिस लॉ खादी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है कॉटन वूल ठीक है नायलॉन और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि खादी में क्या आता है खादी में केवल कॉटन आता है केवल वूल आता है कॉटन वूल दोनों आता है अम, और कॉटन आता है ऐसे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं मतलब मेरा ये क्वेश्चन पूछने का वर्पस ये है कि जब भी आप कोई गवर्नमेंट का स्टेप पढ़ो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी तो आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि यार मुझे इसके बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए राइट आंसर ये है खादी एंड वूल बोथ ए एंड बी जो बच्चे केवल कॉटन बता रहे हैं ऐसा नहीं है ठीक है और इसके लिए अलग से लॉ है

इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ड्रग्स को प्रोहिबिट करने की जिम्मेदारी सरकार की है तो गुजरात गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ लिखकर के प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजप्शन को तो वो आर्टिकल 47 का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी में कौन कौन आएगा वो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर रहा है हमारे मंत्री डिसाइड कर रहे हैं कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा तो जुडिशरी का भी ऐसे ही मतलब दे शुड बी सेपरेशन राइट क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज बेसिक स्ट्रक्चर अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो न्याय निष्पक्ष मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। है। अब कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स भी हैं जो बियॉन्ड डीपीएसपी मतलब जो हमारे पार्ट फोर में जो छत्तीस से लेकर इक्यावन तक आर्टिकल है उसके बियॉन्ड है जैसे कि फिफ्टी थ्री ए क्या कहता है एडुक्ट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी ग्रुप्स तो थ्री ए अलग से ये भी डायरेक्शन दे रहा है ठीक है लेकिन ये 36 से 51 के बीच में नहीं है 51 टू प्रमोट स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज अलग से आर्टिकल है 51 हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना एक डायरेक्शन है समझ रहे हो बात को ये ध्यान रखना क्योंकि ये डिबेट थी न्यूज़ में तो याद रखना 351 बड़ा ही शुभ नंबर है याद भी रहेगा आपको ठीक है ठीक है ऐसे याद रखना बड़ा शुभ नंबर है तरीके हैं याद करने के और क्या 355

फंडामेंटल ड्यूटीज टू बिलीव इन सोशलिज्म सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी टू अव कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट नेशनल फ्लग एंथ टू प्रोटेक्ट सोमिनटी टू प्रव रिच हेरिटेज इंड कंपोजिट कल्चर तो आपको पता है अभी ये नहीं है ये तीनों है टू थ्री फोर इज द आंसर पी वाई क्यू है ये प्रीवियस इयर के क्वेश्चन में से है ठीक है बी आंसर हो गया तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इस सीरीज को हम जारी रखेंगे डी डी बासु प्लस सीरीज ठीक है इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे क्लास में मोमेंटम बना रहेगा तो आप लाइव आएंगे हम अल्टरनेट डेज पर नाइन एम हम क्लासेस को करेंगे ठीक है तो टोटल फोर्टी लेक्चर्स में हम डी डी बासु प्लस सीरीज को कंप्लीट करेंगे आज फिफ्टींथ लेक्चर था ठीक है नेक्स्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि स्टडी आईक्यू के जीएस फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए इफ यू आर टारगेटिंग फॉर टू प्रीलिम्स फोर्टीन इंटरव्यू की कंप्लीट गाइडेंस एक ही कोर्स में आपको मिल जाएगी आपके घर पर बुक्स भी भेजी जा रही हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले नोट्स जो जैसे आप क्लासेस uh, स्टार्ट करते हैं तो क्लास के साथ आपको हैंडरिटिंग नोट्स मिलते हैं जिससे आपको जल्दबाजी ना रहे क्लास में केवल नोट्स को ही लिखने की आप समझें आप क्वेश्चन पूछें लाइव इंटरेक्टिव क्लास है क्रक्स के थ्रू आप डिटेल नोट्स को रीड करें इसमें लक्ष्मीकांत एंड अदर स्टैंडर्ड बुक्स का मिश्रण है साथ में रेगुलर आपके टेस्ट होते हैं तो आपका असेसमेंट होता रहता है अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या होता है कि हम भटके ना इधर उधर कि अब ये करें या वो करें ये ना करें वो ना करें एक रूटीन बना रहे और उसमें क्वालिटी कंटेंट हमें मिलता रहे स्ट्रक्चर में, में हमारी प्रिपरेशन पूरी हो जाए तो वो आपको स्टडी आई पी के आई अदर फाउंडेशन बैच में हो रहा है त्यागी लाइफ कोड लगाकर मैक्सिम डिस्काउंट एंड यू एक्चुअली ज्वाइन इन स्टडी आई पर बस आपको जाना है ठीक है क्लासेज में भी हम मिलते हैं फिर आपसे ख्याल रखिएगा